उस वक्त में हमारे साथ जुड़े हैं एमडी खेमका ग्रुप के कंपनीज के मयंक खेमका, चिंतामणि की वैजयंती कायगांवकर और इंडिया बुल वेंचर्स के करण शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। करण, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे और क्रूड प्राइसेस में हमने काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पर आते हुए देखी है। एक तरफ कोरोना वायरस की तरफ से सपोर्ट है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक में जिस तरह की इजी मनी पॉलिसी है और सोने की खरीदारी है उसका फायदा भी हमने यहां पर बनते हुए देखा है, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर में अभी भी तेजी है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में हमने फिर से रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं। किस तरह से आप फंडामेंटल्स देख रहे हैं और अब यहाँ पर प्राइसेस पे क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मनीषा, क्रूड की अगर बात करेंगे तो काफी सारे मिक्स्ड क्यूज है यहाँ पे, जहाँ पे जैसे आपने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर काफी हद तक डिमांड को लेकर कंसर्न पैदा हुई है एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट विच वी आर सीइंग। ऊपरी स्तर से अराउंड मोर देन 15% का करेक्शन ऑलरेडी हम लोग ने देख चुके हैं। यहाँ पे जब तक कोई और मेजर्स मिलते नहीं है अगेंस्ट कोरोना वायरस को डील करने के लिए, तब तक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट बेरिशनेस पे ही रहेगा। ऑल्दो लोअर साइड विल बी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज जिस तरह से ओपेक प्लस नेशंस जो है वो ट्राई कर रहे हैं प्रोडक्शन कट करने की टू समहाउ कीप द प्राइसेस सपोर्टेड, बट ब्रॉडर ट्रेंड मुझे लग रहा है अभी भी ऊपर के साइड से थोड़ा बहुत हमें दबाव देखने मिल सकता है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि एक बार वापस 3680 3690 के आसपास सेल करके चलना चाहिए। डाउनसाइड माइट बी लिमिटेड बिकॉज जिस तरह से हमने कहा कि ओपेक इज ट्राइंग टू कर्टेल द प्रोडक्शन, तो नीचे में मे बी 3580 3600 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। सोने में आप क्या करना चाहेंगे इन करंट लेवल्स पे? सोने में आज के लिए अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो वी माइट हैव मिक्स्ड क्यूज बिकॉज आज नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है एंड प्लस जिस तरह से हम लोग ने तेजी देखी है डॉलर इंडेक्स को लेके, प्लस जो रिसेंटली चाइना ने जो टैरिफ्स रिड्यूस किए हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। बट दिस इज जस्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है एक बार ऊपर में सेल करके चलना चाहिए 40,500 के आसपास, नीचे में 40,100 के टारगेट्स को लेके। बट हालांकि ब्रॉड ट्रेंड अभी भी बुलिश रहेगा बिकॉज जिस तरह से इम्पैक्ट हुआ है कोरोना वायरस का, जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो स्लोडाउन हुआ है वो कहीं ना कहीं आगे डेटा में दिखेगी, तभी वापस एक बार कहीं ना कहीं ब्रॉडर ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, तो वहां पे एक बार वापस सेफ एंड बाइंग देखने मिल सकती है। दिखवाली की आज यहाँ पर आया है 40,100 तक के लेवल यहाँ पर गिर सकते हैं, लेकिन 40,000 के आसपास के लेवल हमने सोने में यहाँ पर काफी दिनों से अब होल्ड होते हुए देखे हैं। वैजयंती, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की मांग फिलहाल अब यहाँ पर भारतीय बाजारों में देखने को मिली है, क्योंकि यूजली ये टेक्स्ट बुक सिनेरियो नहीं है, क्योंकि इक्विटीज भी ऊपर है, हमने डॉलर में भी तेजी आते हुए देखी है, सोने में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, तो क्लियरली जो शादियों की खरीदारी है वो तो यहाँ पर होगी, लेकिन जो एक पोर्टफोलियो में बाइंग सेलिंग और फंडामेंटल जो हम देखते हैं वो क्लियरली यहाँ पर सोने के लिए वर्क नहीं कर रहा। सोने में जब से प्राइसेस 40,000 के आसपास मंडरा रहे तब से डेफिनेटली डिमांड पे बहुत असर गिरा है। सिर्फ इसेंशियल बाइंग विच इज वेडिंग बाइंग हो रही है और बजट में भी कोई जो एक्सपेक्टेशन थी कि इंपोर्ट ड्यूटी पे कुछ कट मिलेगा वो भी नहीं आया है, तो डिमांड में कोई बढ़ोतरी होने का चांस नजर नहीं आता है इमीडिएट फ्यूचर में। दी ओनली थिंग इज कि जो कि टैक्स रेट्स थोड़े कम हुए हैं शायद कंजम्पशन बढ़े, पर वो कोई इमीडिएट रिजल्ट 7 दिन में देखने को नहीं मिलता, बट मे बी इन द लॉन्गर रन थ्रू टुवर्ड्स द फेस्टिव सीजन थोड़ा डिमांड में बढ़ोतरी नजर आएगी ड्यू टू द टैक्स कट्स एंड कंजम्पशन ग्रोथ ऑल्सो। वैजयंती, यूजली ये जो क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं ये एक स्ट्रॉन्ग वेडिंग डिमांड पीरियड है, जैसे आपने भी कहा कि जो शादियों की खरीदारी है वो यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है, बाकी बाइंग की तरफ से यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो जो शादियों की भी खरीदारी है जो यूजली इस मंथ में या क्वार्टर में देखने को मिलती है क्या वो ऑन है, क्या वो ऑलरेडी मार्केट में है कि वहां पर भी हल्का सा आपने ट्रेंड वैल्यू वॉल्यूम वाइज गिरते हुए देखा है? वेडिंग बाइंग तो हो रही है क्योंकि वेडिंग बाइंग में कोई आज 40,000 के भाव में फ्रेश सोना नहीं खरीदता है, वेडिंग बाइंग के लिए लोग सेविंग सालों साल करते हैं, तो लोग गोल्ड अपना खुद का लेके आ रहे हैं और ज्वेलरी बनवा रहे हैं, ये ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल रहा है, पर वेडिंग के लिए शॉपिंग हो रही है और डायमंड के प्राइसेस में बहुत फर्क नहीं पड़ा है लास्ट 2 साल से, तो इसलिए डायमंड ज्वेलरी में सेल वेडिंग के लिए भी शॉपिंग हो रही है। मयंक, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे। वैजयंती ऑफ कोर्स हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, लेकिन आप दिल्ली में हैं, क्या अक्रॉस जियोग्राफीज हम यही ट्रेंड देख रहे हैं कि शादियों की मांग इज व्हाट इज सस्टेनिंग द इंडस्ट्री अभी, और जो दूसरी वॉक इन बाइंग है या फिर जो इन्वेस्टमेंट खरीदारी होती है जो लोग सोने में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इतनी ज्यादा फिलहाल उठती हुई नजर नहीं आ रही?
दिस इज करेक्ट कि ओनली बाइंग जो है वो वेडिंग बाइंग है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट बाइंग बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल डू नॉट हैव द इनकम लेवल्स, फ्री इनकम लेवल्स. इकोनॉमी का जीडीपी एज वी नो इज 5%, लेस देन 5%, सो पीपल डू नॉट हैव द बाइंग पावर. सो व्हाट दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग इज बाइंग ऑन द एसेंशियल्स और कोई लग्जरी आइटम लाइक गोल्ड और कार्स और एनी लग्जरी आइटम पीपल आर नॉट बाइंग. Second reason is obviously the high prices because it is more than 40,000 plus are the prices. Third was people were expecting ki kuch duty cut aayega in the budget and that is why the prices will come down. That is, has also not come down. So right now, as you can see from the figures, the gold imports are also at the lowest level in a decade. So it is below 700 tons which was which is forecasted around 690 tons which is at the lowest level. So wo seedhe impact on the gold import bhi pada hai ki the gold demand is not there, so that is why the gold imports are also not happening. Absolutely. Aap dono se ek hi sawal ab main jana chahungi aur Mayank aapse pehle puchna chahungi ki ab aapki kya raaye hogi kyunki sone ko humne hamesha dekha hai ki as a wealth yahan par Indians khareedte hain, outperform bhi karta hai. अब लोग ऐसा सोचते हैं कि इक्विटीज में ज्यादा रिटर्न्स हैं या सोना खरीदना चाहिए कि नहीं, या जितना जरूरी है उतना लेना चाहिए. आप एक तो क्या राय देंगे यहाँ पर कि लोगों को सोना लेना चाहिए, किस लेवल्स पे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और दूसरा ये कि अब यहाँ से क्या ट्रेंड प्राइस के हिसाब से आपको देखते हैं? I think the price trend overall is bullish because gold will touch higher levels. So agar apne long term ek saal ki duration ki baat kare to prices will be much higher than what their levels are there today. But today I think there is some amount of because of US China thing, because of this coronavirus scare, because of other missile shots and all that. बिट ऑफ रिस्क ये हो सकता है कि कभी कोई करेक्शन व्हेन होके यू माइट गेट अ गुड लेवल टू बाय व्हिच विल नॉट बी वेरी लो बट प्रोबेबली 1,000-1,500 नीचे भी अगर गोल्ड आता है फ्रॉम दीज लेवल्स व्हिच वी सॉ अभी दैट इज आई थिंक इट विल बी अ गुड लेवल टू बाय इन बट ओवरऑल द ट्रेंड ऑफ गोल्ड इज बुलिश ओनली. वैजयंती आप क्या राय देंगी, क्या करना चाहिए लोगों को सोने पर इस स्तर में, और जिस तरह से इतने सालों से डिकेड से यहाँ पर इंडियंस खरीदते रहे हैं वो ट्रेंड थोड़ा सा अब चेंज होता हुआ नजर आया है, लेकिन आगे जाके आपको कैसे ट्रेंड्स दिखते हैं? तो जो बैंक जी ने कहा आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट दैट गोल्ड के प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर बुलिश दिस ईयर. तो इसलिए एंड बिकॉज ऑफ ऑल द अनसर्टनिटी अराउंड इन सो मेनी अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आई थिंक गोल्ड विल सी गुड इन्वेस्टमेंट दिस ईयर. सो इवन दो ज्वेलरी परचेस मे टेक अ बैक सीट, आई थिंक वी आर होपिंग फॉर फिजिकल गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट टू डू वेल दिस ईयर बिकॉज गोल्ड ने हैज प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस इन द लास्ट ईयर. आपकी बात बिल्कुल सही है, पिछले साल हमने एज एन ओपिनियन सर्टनली आई वुड So gold mein investment this year I think should be on everybody's agenda certainly. राइट तो ये राय ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई कि अनसर्टनिटीज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी ज्यादा है, स्लो डाउन हमने भारत में भी आते हुए देखा है, तो ऐसे समय में सोने में आपकी खरीदारी यहाँ पर जारी रहनी चाहिए. प्राइसेज यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं, पिछले साल हमने सोने को आउट परफॉर्म करते हुए देखा था वेरियस एसेट क्लासेस, और चाहे उतनी तेजी इस साल में देखने को ना मिले लेकिन बढ़त की उम्मीद अभी भी इस साल भी और अगले साल भी काफी हद तक कायम है. वैजयंती मयंक आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के सामने वो राय रखने के लिए. इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, दीपाली जुड़ेंगी हमारे साथ कमोडिटीज की बाकी खबरों के लिए. और अब स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि घरेलू बाजार में तो थोड़ी सी रिकवरी बनी है, 0.5% ऊपर ही कर रहा है ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट $55 के ऊपर कर रहा है कारोबार. हमारे साथ नेबल्स वेंचर के करण शाह बने हुए हैं. करण बताइए क्रूड पर क्या स्ट्रैटेजी भी रखनी है, 3647 पर ट्रेड कर रहा है, 0.5% ऊपर है, फ्रेश ट्रेड क्या रिकमेंड करेंगे आप? दीपाली जिस तरह से ओपेक प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक बार सपोर्ट मिलेगा, बट हालांकि कोरोना वायरस को लेके काफी हद तक फियर्स है कि कहीं ना कहीं डिमांड स्लो डाउन हो सकती है. तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है एक ऊपर में सेल करके चलना चाहिए, मे बी 3680-3690 विद स्ट्रिक स्टॉप ऑफ 3720. यहाँ पे डाउनसाइड थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा बिकॉज जिस तरह से हमने बात की जो ओपेक प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहा है तो नीचे में मे बी 3580-3600 तक की डाउनसाइड देखने मिल सकती है, बट स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू आज के लिए सेल करके चलना चाहिए. ठीक है,
आज के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, अदरवाइज जो व्यू है आपको वो बताया गया है 3580 के लक्ष्य के लिए बिकवाली की पोजीशन आप बना सकते हैं। एक बार क्विकली नेचुरल गैस पे एक नजर डाल लेते हैं, वहां पर क्या रुझान रहा है। हालांकि इस सीजन जो नेचुरल गैस है बहुत ही अंडर परफॉर्मर और एक वीक कमोडिटी रहा है। आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो देखिए 2% नीचे करा है 133 के लेवल्स पर। यहाँ से भी फर्दर डाउन साइड आप देख रहे हैं क्या करण, बेचकर चलना चाहिए? और ऑलरेडी जिन्होंने बिकवाली की पोजीशंस बनाई हुई है उनके लिए क्या सजेशन है? जी ब्रॉडली अगर नेचुरल गैस की बात करेंगे तो एक काफी सीमित दायरे का ट्रेड देखने मिल रहा है। ऑल्दो मैं यहाँ पे फ्रेश सेल पोजीशन तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, रादर इनफैक्ट एक बार 135-136 के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो यहाँ से एक बार लॉन्ग कर सकते हो विद स्ट्रिक स्टॉप ऑफ 132। इन द मीन टाइम जब तक वो क्रॉस नहीं करता है आई गेस इट्स इन अ नो ट्रेड जोन, और यहाँ पे डाउनसाइड भी लिमिटेड रहेगा बिकॉज काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो माई रिकमेंडेशन इज टू जस्ट अवॉइड एज ऑफ नाउ, और 135-136 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो अब यू कैन गो बाय। ठीक है, तो अभी एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। अब देख लेते हैं बेस मेटल्स को। हालांकि आज के सेशन में मिक्स्ड कारोबार देखने को मिला है, कॉपर जिंक जो सुबह थोड़े कमजोर खुले थे वहीं निकल में थोड़ी मजबूती आज के सेशन में देखने को मिलती है। तमाम बेस मेटल्स को एक नजर देख लेते हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम फ्लैट नेगेटिव पॉजिटिव बायस ट्रेड कर रहा है, कॉपर में बायस नेगेटिव है, लेड जिंक बिल्कुल फ्लैट कर रहे हैं। तो बहुत कन्विंसिंग एक्शन किसी भी बेस मेटल में अभी है नहीं, लेकिन निकल पर एक आउटलुक ले लेते हैं। पहले तो निकल पर अपना व्यू दीजिए, 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगेन ये सुस्ती बनी रहेगी या फिर कोई वन साइडेड मूव ले सकता है बेस मेटल? निकल पर क्या करें? जी दीपाली, मुझे लग रहा है अभी भी सुस्ती बनी रहेगी। जब तक 965 के ऊपर प्राइस निकलते नहीं है तब तक एक सीमित दायरे का ट्रेड देखने मिल सकता है, रादर ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी देखने मिल सकता है जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर काफी चिंताएं बनी हुई है। तो बट 965 के ऊपर देखो अगर हमें क्लोज मिलता है तो दिस रैली कैन फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स 980-990 लेवल्स, बट इन द मीन टाइम मे बी ऊपर में 960 और नीचे में 930 का एक ट्रेडिंग बैंड बना हुआ है। और कॉपर यहाँ पर क्या व्यू है, यहाँ कोई ट्रेड लेना चाहिए क्या? जी दीपाली, कॉपर में मुझे लग रहा है कि एक बार ऊपर में सेल करके चलना चाहिए, मे बी 435-436 के आसपास विद स्टिक स्टॉप ऑफ 438-50। नीचे में हमें मे बी 429-50-430 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और साथ ही एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी है आपके? जी एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो रिसेंटली हमें इन्वेंट्रीज में काफी कटौती आते हुए देखी है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो मुझे लगता है एक बार एल्यूमिनियम में कॉन्ट्राबेट लेना चाहिए, वी कैन गो बाय विथ 137-80-138 लेवल्स, ऊपर में मे बी 139-50-140 लेवल्स देखने मिल सकते हैं विद इन अ डे और टू, एंड इस स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉप रहेगा 136-50। ठीक है, तो एल्युमिनियम पर एक ट्रेड बाय साइड पर ले सकते हैं, अदरवाइज आपको स्ट्रैटेजी निकल और साथ ही कॉपर पर भी बताई गई है। लेकिन अब यदि कमोडिटीज की ओर रुख कर लेते हैं और सबसे पहले देखेंगे चने को, जहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप स्पाइसेस देखेंगे तो जीरे में वीकनेस दिख रही है, वहीं अगर एडिबल ऑयल सेगमेंट की ओर रुख करेंगे तो सीपीओ और सोया तेल में मजबूती का ट्रेंड बना हुआ है। तो ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए चना 1% नीचे इस वक्त कारोबार करते हुए दिख रहा है। हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि द्योरा मौजूद है। रवि, पहले तो बताइए सीपीयू सोया ऑयल यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी है? बायस तो पॉजिटिव है, ट्रेड जो है वो खरीदारी की तरफ लेना है या फिर कोई और रिकमेंडेशन है? डेफिनेटली आज शॉर्ट कवरिंग का माहौल है, उसमें एडेड एडवांटेज, थोड़ा करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है कल के लेवल से तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है, तो आज शॉर्ट कवरिंग के प्ले के लिए हम जा सकते हैं। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट जो सोया ऑयल है वो मुझे यहाँ से पॉजिटिव दिख रहा है, 850-851 के करीब बाय करें, 845 का एक स्टॉप लॉस लगाए। अपर साइड मुझे लग रहा है कि आज या कल एक दो ट्रेडिंग सेशन में 860 तक जा सकता है, तो सोया ऑयल वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। और क्विकली चने पर आपका व्यू क्या है, जो वीकनेस दिख रही है वो एक्सटेंड हो सकती है क्या? डेफिनेटली यहाँ से और प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि नाफेड एज वेल एज सप्लाई का प्रेशर उसमें बढ़ा हुआ है, डिमांड ड्राई है, तो मुझे लग रहा है चना में 5 कॉन्ट्रैक्ट में सेल करके चलना चाहिए, 330 वुड बी टारगेट एंड 3960 वुड बी स्टॉप लॉस। तो मुझे लग रहा है यहाँ से और मंदी 100 पॉइंट तक की मंदी यहाँ से देखी जा सकती है, तो और प्रेशर 1-2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, तो बेचने की सलाह है चने पर 3830 के टारगेट के लिए, 3960 का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो ये स्ट्रैटेजी